इस चन्न ने पता नहीं किन्नियां रातां वेखियां ने, ते इन्हां रातां दी एक रात चों शुरू हुंदी है मेरी कहानी। निक्का जिहा परिवार है साडा, निक्कियां निक्कियां गल्लां, निक्के जिथे सुपने वसदे, मैं उसे राहे चलां, मैं उसे राहे चलां। इन्हां सत्रां वर्गा ही साडा परिवार है। मैं अलोकदीप सिंह, मेरे पिता मगर सिंह ते मेरी माता बिशन कौर। किता साडा खेतीबाड़ी रहा, जमीन सिर्फ 2 किले। ते मेरे बापू का शौक तो शुरू तो खेतीबाड़ी आ, ते मेरा तुसी देख ही रहे होवोगे, यही मेरा शौक आ। किताबां पढ़नियां, चंगे चंगे शायरां नूं पढ़ना, ते उन्हां दीआं गल्लां ते अमल भी करना। शायरां दी गल होई आ ते शिव कुमार बटालवी जी दी कलम दा मैं रज के मुरीद हाँ, ते आप भी मैं थोड़ा बहुता लिख लैना। बस यही 2 शौक ने मेरे। तुसी सोच रहे होवोगे ये लालटन क्यों पई है इत्थे, ते दीवे क्यों लाया, ते पानी वास्ते आ तांबे दे भांडे। मैं दसदा तुहानू जिस तरह का मेरा नाम आ अलोकदीप सिंह, उस तो वक्रे ही मेरे काम ने। भावें मेरे कोल अजोके समय दियाँ सारियां सहूलतां मौजूद हन, पर मैं अलोप हो रही चीज़ों नूं ज़्यादा महत्ता दिना। इस करके मैं कदे रोशनी करन लई बल्ब नहीं वरत्या, ते ना ही पानी पीन लई प्लास्टिक दियाँ बोतलां। ते मैं इन्हां दे नाम भी रखे आ, इहदा नाम हिजर सिंह, दलगीर कौर, कादर कुमार, मुकाम अली, ते नीर कौर, पत्तन सिंह, ते इहदा प्रकाश कौर। ते अगे सुनो मेरी असल आवाज़। जोबन रुत्ते जो भी मरदा, फुल बने जा तारा। जोबन रुत्ते आशक मरदे, जा कोई कर्मा वाला, जा कोई कर्मा वाला। वाह ओए शिव, क्या कहने तेरे। देखिए मिंदा, जो उसमें सीधी सी बात है कि कविता जो है ना, वो एक हादसे से पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कविता मोहब्बत से पैदा होती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि कविता फ्रस्ट्रेशन जब हो, जिंदगी में उदासी हो, तब पैदा होती है। मेरा ख्याल है कि मेरे में जो कविता पैदा हुई, वो उसमें सब कुछ था। तो जाहिर है कि आपने रोमांटिक कविता भी लिखी हो। लिखी, पहले तो सारी रोमांटिक है। एक आध हमको भी सुनाइए। जरूर। हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़िया नीरां दा। साडा हंजदी जूने आया दा, साडा दिल जलिया दिलगीरां दा। खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। हमारी कुदरत
ढेर सारी प्राकृतिक सुंदरता से सुशोभित है, जिसका हम किसी भी समय रस ले सकते हैं। पृथ्वी के पास भौगोलिक सुंदरता है और इसे स्वर्ग या शहरों का बागीचा भी कहा जाता है। लेकिन यह दुख की बात है कि भगवान के द्वारा इंसानों को दिए गए इस सुंदर उपहार में बढ़ती तकनीकी उन्नति और मानव जाति की अज्ञानता की वजह से लगातार विनाश हो रहा है। चल मेरे साथी, तेनू खेतां दी सैर करावां, कुछ तू अपनियां सुनाई ते कुछ मैं अपनियां सुनावां। चल मेरे साथी। मित्रा नक्का मोड़ दिए ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ? ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ, पर अगे तो नहीं भुलदा। आ मैनू मेरियां लिखतां दी सौ। रोज़ वांगू अज भी एक कविता लभ के लियाया तेरे वास्ते, बहुत पसंद आऊ तैनू सुन के। लै सुन फिर। कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे मावां, कुछ रुख नूहां धीआं लगदे, कुछ रुख वांग भरावां। वाह, कुछ रुख मेरे बाबे वाकण पत्तर टावा टावा, कुछ रुख मेरी दादी वर्गे चूरी पावन कावा। वाह क्या बात है। कुछ रुख यारां वर्गे लगदे चुम्मा तेगल लावा। आहा, एक मेरी महबूबा वाकण मिठा अते दुखावां। वाह क्या ही बात है यार, इत्थे सुखावां नहीं लिखिया, क्योंकि इश्क मिठे दे नाल नाल दुखावां है। वाह, कुछ रुख मेरा दिल करदा है मोढ़े चुक खिड़ावां, कुछ रुख मेरा दिल करदा है चुम्मा ते मर जावां, कुछ रुख जद भी रल के झूमन तेज वगन जद वावां, साबी बोली सब रुखां दी दिल करदा ए लिख जावां। बहुत खूब, मेरा भी ए दिल करदा ए रुखां दी जूने आवां। आहा, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਵਾਂ। ਵਾਹ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ, ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਉਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਵਾਹ
क्या महानता सी उन्हां दी लिखणी विच, है ना। हुण तू दस मित्रा, कविता पसंद आई तैनू? मैनू पता ही सी तैनू कविता जरूर पसंद आऊगी, क्योंकि गल रुखां दी जो होई आ। चल ठीक आ फिर, इजाजत दे मैनू, ते बाकी गल्लां कल नू। चंगा बई। तेरा भला हो जी, अज पक्का बापू तो गाला पैनी है, लिखदे नू पता ही नहीं चलिया, कद इन्ना कवेला भी हो गया। चल मना भज चल। साग ज्यादा ही खा लिया अज, पानी पी ही लवा। दलगीर कौर नूं की होया अज? ओ दलगीर कौरे, सुख तां है। ओ अच्छा, ना एह गल लै लै, मैं भी किन्ना पागल आ गया बस ना तेरी मर्जी निकल। आ ले भाई। ले भाई है जरसियां, कर दे दलगीर कौर नूं खुश। उतना ही कठिन है जितना कोयले की खदान में हीरों की खोज करना। असली दोस्त वह नहीं होते जो जीवन के अच्छे पलों में
हमारे साथ खड़े होते हैं, बल्कि वह जो हमारी परेशानी में भी खड़े होते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने हितों और मांगों को पूरा करने के लिए दोस्ती करते हैं। जीवन में एक सबसे अच्छा दोस्त पाना ना बुबी भाई, किताबा वापस कर दे। ये तो हुन मैं पढ़ के वापस करूंगा भाई। और किताब वापस कर दे, ये तो बाकी रख ले सब। ओए ओही तो मैं पढ़नी है तेरी शायरी। अरे यार वो चलसी कर दी कर दी पर एक शर्त तो। हां हां दस भाई, मेनू तेरी डायरी च लिखा है जे मंजूरा तो देख ले, नहीं तो फिर मैं। हां हां भाई मंजूरा मंजूरा मैं आज आपा बैठ के गल करते हैं। मैं सुन फिर भाई मेरी एक लिखत। मेरा अंदर रहे बोलदा, मेरा अंदर रहे बोलदा, ते बाहरों चुप हो जावा, ओए जी करदा है सौ साल दा रुख हो जावा, सौ साल दा रुख हो जावा। सबर संतोख है जिस विच अमन मत्ता, जिसदा शिंगार ने साडियां पिंडां दियां सत्थां, इस दुखां दी दुनिया विच इको सुख हो जावा, ओए जी करदा है सौ साल दा रुख हो जावा, सौ साल दा रुख हो जावा। बहुत खूबसूरत लिखा तू, अजकल इदां दे लिखण वाले बहुत घट ने वीरिया। कुदरत बारे लिखना भी किसे किसे दे हिस्से आया, तू ते यार एक कुदरत दा लेख है। ओ ना ना भाई, ये तां तेरा बड़प्पन है। कुदरत ना अपने आप विच बहुत महान है, ते ओदी महानता नू एक कागज उपर जाहिर करना ता बहुत छोटी गल हुई ना। हाँ ये तो तेरी गल सही है, पर अफसोस अजकल लोग इस चीज नू अणगौलिया कर देंदे ने। मैं एक गल कहनी चाहना तेनू, जे तू गुस्सा ना करे तां। हाँ हाँ दस बई, लै गुस्सा कादा। आपां तां इन्हां चीज़ां नूं तरजीह दिंदे आ, पर अज कल लोग या तां गुंडागर्दी वाले गाने सुनना पसंद करदे ने, या इश्क मुश्क वाले, ते ना ही कोई कवितावां कहानियां गज़लां, मतलब बहुत सहमति लोग किताबां नहीं पढ़ते। अच्छा पर भाई इन्हां गल्लां दा अपने नाल की संबंध आ, मैनूं खुल के दस। मेरे कहने का मतलब तो आही है वीरिया भी, आ पिछे जे तेरी किताब भी आई सी, पर की तेनों ओ इन्नी कमाई हुई कि तू अपने घर का खर्चा चला सके? यदा मतलब तो इको निकल के आता कि किताबा पढ़ने वाले लोग बहुत घट ने वीरिया। मैं देखिया जिन्ना तू डूंगा होके लिखदा ना, जे इन्ना ही डूंगा होके तू अजकल के हिसाब न गाने लिखे इन्हों किताबा चो निकल के, तो मैनू नहीं लगता कोई तेरे मुकाबले च भी आऊगा। अच्छा भाई गल तो तेरी कितने ना कि सही भी है। मानते हाँ लोग किताबा नहीं पढ़ते, मानते हाँ लोग शायरी कवितावां गजलां ते कहानियां नहीं सुनते, मानते हाँ लोग अजकल दे भड़काऊ गाने सुनते हैं, ते ओदां दे लोग गाउंदे ते लिखते भी आ। पर मन ला कि शायरी कवितावां गजलां ते कहानियां एक नलके वर्गियां ने, ते अज कल दे गीत रैप एक मोटर वर्गे ने, हुण दोनों विच फर्क की आ? नलका गेड़ दे वेले मेहनत किन्नी लगदी आ, ते पानी घट निकलदा, उहदे विच सबरा एक सादा पंजा झलकदा, मोटर नूं एक सुच नाल दबो ते ढेर सारा पानी आ जांदा, उहदे विच मेहनत घट ते पानी ज़्यादा। इसे तरह किताबां दे नलके विच्चों गेड़ियां होईयां कवितावां गजलां कहानियां आदि विच मेहनत ज़्यादा ते किते ना किते मुल घट, पर अजकल दे गीत रैप दी मोटर विच मेहनत घट ते मुल ज़्यादा। पर यह गल भी आ नलके वाला पानी लोड़ अनुसार कढ़िया जांदा सी ते उहदे नाल कोई नुकसान भी नहीं सी, ते मोटर वाला पानी लोड़ तो किते वर्द कढ़िया जांदा ते उहदे नाल धरती हेठला पानी भी खत्म हो रहा। हुण तां भाई मेरियां गल्लां तेरे समझ आ गईयां होणगियां। हाँ गल्लां तां तेरियां समझ आ गईयां वीरिया,
पर फिर भी मैं तेनू कहूंगा मेरिया भी गल्लां ते गौर जरूर करी तू। चल ठीक है वीरिया, मैं चलदा, फिर मिलदे किसे। ठीक है भाई। डीजे कादे चल पे, ना ही कुछ पढ़न देना इन्होंने, ना ही सौन देना। किसे ना गाना ए मेरा गीत, किसे ना गाना ए मेरा गीत, मैं आपे गा के पलके ही मर जाना। ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ? ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਹੀ ਤੋਂ ਜਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੋ। ਦੁੱਖ? ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ? ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਸੁਣੋ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ। ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ? ਉਹ ਬਸ ਬਸ ਬਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟ ਲਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਆਪਦੇ ਗਰੀਬ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਿਹਾਜ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੈਪ ਰੂਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ।
आ गया पुत। हाँ हाँ बापू आ गया। आ जा बह जा मेरे को, तेरे ना गल करनी एक। हाँ बापू दसो की गल करनी। देख पुत मैं तो तेरे भले की ही गल करदा, जिन्नी क जमीन अपने कोल है उन्नी क खेती तो मैं कला करी ही जाना। जे नाल माड़ा मोटा कोई होर हंधा लगी जाए ना तो अपन ब्याज ते पैसे फड़न की लोड़ ना पवे, नाले घर का खर्चा चली जाओ। डेढ़ दो किले जमीन नाल तो आई चलाई मसा चलती है। देख पुत मैं तो तेन एक गल कहना, तू ना हा पढ़न लिखने वाला कम छड़ी दे, कोई कम कार लभ लै। जे किसी कम धंधे लग जाए पुत अपनी जिंदगी सिखाली हो जू। बापू तुसी ता बड़ी ही आसानी नाल कहता कि किताबां पढ़निया छड़ दे, शायरी भी लिखना छड़ दे, पर मैनू पुछ के देखो कि किन्ने दिन किन्ने महीने ते किन्ने ही साल लग जांदे आ इन्हां नू लिखण विच। बापू ये लिखतां तां मेरियां रगां रगां विच वसियां पईआं ने, पर इन्हां नू मैं किवें छड़ दें। मेरे तो सुपने ही बहुत वड्डे ने बापू, मैं तो यह चाहना कि साडे वर्गे शायरां नू भी इस समाज इज्जत मिले, लोग वद तो वद किताबां पढ़िया करन, चंगियां चीज़ां सुनन, ते इस वड्यारी कुदरत दा हर पल शुक्रिया अदा करिया करन जिस कुदरत ने सानू इस धरती ते रहन जोग बनाया। बस इन्ने एक सुपने आ मेरे। ओ फिर मैं कि तेरे सुपने दा अचार पावा? ओए सुपने भी तो पैसे नाल देखने सोहने लगते हैं। कन्न खोल के गल सुन ला मेरी, जे कम छड़ के तू कि नौकरी ना ना लग्या तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होना, याद रखी मेरी ये गल। अज तो दिन ही माड़ा चढ़िया मेरे लिए, इसे तो मैं अपने ही माड़ा कही जाते हैं, तो फिर मैं बगानिया तो की आस रखनी है। सच्ची जिंदगी हुण तां नरक वर्गी लगती है। वो कौन बैठा हुए कल्ला कल्ला? तू क्यों फिकर कीती आ? ओ बई फिकर ता हुई जांदी आ, अपने बापू नूं पुछ के देख ओ किवें गुजारा करदा इन्नी घट जमीन नाल। नहीं अजकल दी महंगाई तां बंदे नूं चक्की वांगू पीस के रख दिंदी आ। ओ बई नाले आ तू नहरां ते बैठना छड़ दे, ते कोई कम कार लभ लै। आ जिहड़े थोड़े कोल दो खुड ने ना ओ बचे रहणगे, नहीं फिर असीं तां लै ही लैणे आ। हाँ चल बई, मेरा तां फर्ज सी तैनूं समझाउण दा, हुण समझणा तेरी मर्जी आ। चल ठीक आ, चलिया मैं तां। मैनूं समझ नहीं आउंदी, लोग मैनू समझाउण आउंदे आ जां फिर उलझाउण। किताबों का तू भी पढ़ना, तू की घट रहे किताब लेके कहना मैं आया।
जरसियां देख रहे है ना तू, दुनिया मेरे ना की खेड खेड रही है, सारे मेरे गुणा अवगुण समझी जाते हैं। ते हुण तू ही दस मैं की करा। सड़दे ने सुखे रोट ते सुखियां वे चूरियां उमरातां मुक चलियां पर मुकियां ना तेरियां वे दूरियां सिखर दोपहर सिर ते मेरा डल चलिया पर सिखर दोपहर सिर ते मेरा तड़ चलिया पर कबरां उड़ीक दियां मैनू ज्यों पुत्रां कबरां उड़ीक दियां मैनू ज्यों पुत्रां मामा जिंदगी दा थल तपदा कले रुख दी होंद विच मेरी दुखां वाली गैर चढ़ी वगे रामा वाली तेज हनेरी मैं भी कहा जदों इंसान मर जांदा ना ओदा दुख जाता ओदे परिवार नूं पता हुंदा जा सके संबंधियों नूं जा फिर उहदे मित्रां नूं ओए पल जदों मेरियां लिखतां मरियां इहदा दुख भोगण वाला मैं कल्ला ही रह गया। मैं तां सारी उम्र इहनां नूं जवान करदा रहा ते लोग इन्हां नूं एक बीमार मरीज समझदे रहे। जिन्नी रचनात्मक शक्ति नाल मैं इन्हां दी उसारी कीती सी उन्नी ही रचनात्मक शक्ति नाल मैं इन्हां नूं राख भी करूंगा।
माफ कर दियो मैनू, ये शायर तुहाडा मुल ना पा सकिया, मुल ना पा सकिया। दुख ता किसे ना जानिया, लखा मेरा सीस चुम गए पर मुख ता किसे ना पछाणिया। अज इस मुखड़े तो जिस मुखड़े तो पिया अपना मैं आप लो।